मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में अखिलेश ने मैनपुरी के एसपी नेताओं के साथ बैठक की। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। चुनाव सीट के नाम वाले सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, जिस सीट से लड़ेंगे हम जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन जो कि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। बोले, मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने कैद करके रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। माननीय योगी और माननीय मोदी, इनकी नीतियों में आस्था व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। प्रियंका गांधी की कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के पोस्टर वाली लड़की प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल। प्रियंका मौर्य बोली, कांग्रेस में टिकट बेचे जा रहे हैं। स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ने का मुझे मौका नहीं दिया गया। चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कहा भू माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के घर बनाए जाएंगे। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले, जो जीतने लायक सीट है हमें मिलेंगी। बीजेपी से अब तक नहीं बनी है सीट बंटवारे की सहमति। लोग संतुष्ट हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता 7 साल से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जो जीतने लायक सीटें उस पर उन्हें मिल गया है। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। गोरखपुर शहर सीट से लड़ने का ऐलान किया। गोरखपुर शहर सीट से योगी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं दिवंगत बीजेपी नेता उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचा उपेंद्र दत्त का परिवार। कहा, 20 महीने से बीजेपी ने कोई सुध नहीं ली। हमारे पति का देहांत हुआ, हमारे दरवाजे पर बच्चों के लिए आए नहीं, कुछ पूछे नहीं, आज तक ले बच्चे हमारे भटक रहे हैं इधर उधर। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी वादा, एसपी की सरकार बनी तो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बहल होगी पुरानी व्यवस्था। यूपी में 12 लाख है पेंशनधारी। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के बिगड़े बोल। बोले, अखिलेश यादव के सपने में अगर कृष्ण जी आते हैं तो अखिलेश शाही मस्जिद हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करते। वास्तव में भगवान कृष्ण उनके लिए सर्वोपरि हैं, तो मंच से अपनी पार्टी के मंच सार्वजनिक मंच से खड़े होकर के बोले, जहां पर मस्जिद खड़ी हुई है, शाही मस्जिद खड़ी हुई है, उसको हटा करके वहां पर दिव्य भव्य मंदिर बनाया जाए। यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन साथी ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर बीजेपी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं देती और बहुगुणा पार्टी छोड़ना चाहे तो हमारे यहाँ उनका स्वागत है। कि जो दिल्ली तक इस्तीफा गया था, हर नेता चाहता है कि हमारा बेटा स्थापित हो जाए, हमारे जीते जी, तो बीजेपी ने स्थापित नहीं किया उनको, अगर उल्टा सीधा किया, इधर दरवाजा खुला है। बीजेपी को छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना जेवर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भड़ाना के वकील ने कहा, कोरोना संक्रमण हुआ है। श्री अवतार सिंह भड़ाना को कोरोना हो जाने के कारण वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी के योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का प्रचार में बयान वायरल। मंत्री नंदी ने कहा, हमें चुनाव में जनता को मक्खन लगाना आता है। चुनाव में सभी विरोधियों की जमानत जब्त होगी। उत्तराखंड के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली सूची में 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता को भी बीजेपी ने उत्तराखंड में दिया है टिकट। चकराता सीट से चुनाव लड़ेंगे राम शरण नौटियाल।
दिल्ली के निर्भया कांड की वकील सीमा कुशवाहा ने थामा बीएसपी का दामन। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दिलाई बीएसपी की सदस्यता। बहन मायती जी को के हाथ मजबूत करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए, हम सबके हाथ मजबूत करने के लिए इस मुहिम में हम लोगों के साथ में आज जुड़ गई हैं। यूपी में कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल। इस लिस्ट में 16 महिलाओं के नाम हैं। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की तारीफ की। बोली, तीन तलाक से आजादी दिलाई, बीजेपी ने महिलाओं को सुरक्षा दी। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया और ये मौलाना ने खूब विरोध किया। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। संगरूर जिले में आती है धुरी सीट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने कांग्रेस हाईकमान को लिखी चिट्ठी। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की अपील की। हमारी हाईकमान इस बात पे फैसला ले, हालात को देखते हुए जिस तरह से चन्नी जी ने काम किया, अच्छा काम किया 3 महीने में। बीजेपी ने गोवा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिवंगत नेता मनोहर परिकर के बेटे को टिकट नहीं, लेकिन बीजेपी ने कहा परिकर के बेटे उत्पल को मना लेंगे। उत्पल परिकर या परिकर जी का परिवार ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना 10 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी के साथ हुआ गठबंधन। शिवसेना के संजय राउत बोले, परिकर के बेटे अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो हम देंगे उनको समर्थन। लेकिन उनका बेटा अगर चुनाव लड़ना चाहता है बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो जरूर हम उनको मदद। अरुणाचल प्रदेश में चीन की दादागिरी पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, मामले पर पीएम की चुप्पी ही उनका बयान है। स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के सामने कहा, देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है। तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। देश में करीब 8 महीने बाद एक बार फिर कोरोना के नए केस 3 लाख के पार गए। पहली बार 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। 491 मौतें। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात में सबसे ज्यादा केस हैं। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। सरकार ने कहा, तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले मौत कम हुई। कोरोना वैक्सीन का दिखा है असर। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात समेत 10 राज्यों में ज्यादा है कोरोना के केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 24 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल। पहली से 12वीं तक के स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत चालू किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता बोले, बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद की गई है। टोटल वैक्सीन 62 लाख जो है पूरे देश का खराब हुआ और 62 लाख में 29 लाख 30,000 वैक्सीन जो भाजपा शासित राज्य हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सदन में अपने वक्तव्य में रखा है। यूपी के बलिया में वैक्सीन लगाने टीम पहुंची तो हुआ बवाल। वैक्सीन के डर से एक युवक पेड़ पर चढ़ गया, बाद में टीम ने समझा कर लगाई वैक्सीन। दिल्ली में हीरा व्यापारी की हत्या पर हिंदू मुसलमान का विवाद। सुल्तानपुरी में हिंदू संगठनों ने आरोपी इरफान के घर के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी की। थाने के बाहर भी हंगामा। 3 दिन पहले हीरा व्यापारी की गोली मारकर हत्या हुई थी। बिहार के पटना से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। रंगदारी मांगने गए बदमाशों ने सुनार को गोली मारी। पूरी घटना सिक्योरिटी कैमरे में कैद। केरल में सियासी हिंसक झड़प। लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए, बड़ा बवाल हुआ।
तमिलनाडु में जलीकट्टू के त्योहार के दौरान एक शख्स ने डंडे से बैल पर हमला किया। त्योहार के दौरान हंगामा करने पहुंचा था आरोपी, पुलिस ने पकड़ा। यूपी के प्रयागराज में बेरोजगार युवकों ने सिर मुंडाकर प्रदर्शन किया। माघ मेले में संगम के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने चला दिए डंडे। यूपी के लखनऊ में बेटे पर लगा परिवार की हत्या का आरोप। पुलिस का दावा, आरोपी बेटे ने दाल में नींद की 90 गोली डालकर माँ, पिता और भाई को मार डाला। प्रॉपर्टी के लालच में की गई वारदात। देश की बढ़ती ताकत का एक और टेस्ट सफल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ पर रिहर्सल जारी। टैंक और मिसाइलों के साथ भी अभ्यास किया गया। सेंसेक्स में आज भारी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स आज दिन में 950 अंकों से ज्यादा गिरा। बाजार में गिरावट से निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। रिलायंस के शेयर ज्यादा गिरे। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन हल्की बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से दिल्ली में बदलेगा मौसम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।